मैं कलाकार, हाँ हाँ मैं एक कवि, एक शायर। क्या करोगे मेरी कहानी जानकर? आज से कई साल पहले होनी के बहकाने से एक ऐसा प्याला पी चुका हूं, कह नहीं सकता वो मेरे लिए अमृत था या जहर। एक ऐसी बात जिसका मैं जिक्र करते ही मेरी जुबान पर छाले पड़ जाएंगे, पर फिर भी मैं कहता हूं, बहुत पुरानी बात है, एक वाकया पेश आया। जब मैं बहुत छोटा था, एक भयंकर आग में फंस गया था। जब जिंदा बचा तो मालूम पड़ा बदसूरत हो चुका था, जैसे कोई सुहानी सुबह एक भयानक डरावनी रात में पलट गई। लोग मुझसे मिलने से कतराने लगे, मेरा चेहरा देखते ही मुंह फेर लिया करते। मैं भी उनसे डर गया। अपने घर में ही बंद रहकर गीतों की रचना कर रहा था। जितना भयानक और डरावना था मेरा चेहरा, उतने ही खूबसूरत थे मेरे गीत। मेरे गीतों ने हजारों को लूटा। मुझसे मिलने की मिन्नतें होने लगी, पर मैं किसी से ना मिलता। एक दिन एक खत आया, उसमें लिखा था, मैंने तुम्हारे गीतों में शांति पाई, अगर तुमसे मुलाकात ना हुई तो ना जाने क्या कर बैठूंगी। मुझे लगा कोई खूबसूरत हसीना है, बुलाऊं इसे और अपना ये बदसूरत चेहरा दिखाकर पूरी ताकत से इंतकाम लूं उससे। मैंने उसे बुलाया, वो आई, बेहद खूबसूरत और हसीन, शबनम से बुलाया। मैंने उसके लिए कई गीत गुनगुनाए। धीरे धीरे वो मेरी ओर आकर्षित होती गई। अपना चेहरा छुपाते हुए मैंने उससे बहुत सारी बातें की और मैंने शादी का प्रस्ताव रख दिया। उसने भी कहा, हाँ मुझे मंजूर। मैं घबरा गया। मैंने पूछा, कौन हो तुम, कहां से आई हो? तब उसने रोते हुए कहा कि मैं एक अंधी।